नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, जिसका असर पूरे राज्य में दिखाई दे रहा है। रविवार और सोमवार को पूरे राज्य में अच्छी बारिश हुई। जमशेदपुर में 53.2 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा रांची में 4.4 mm और डाल्टेनगंज में की गई है। रांची में दिनभर वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, शहर में जलजमाव की भी परेशानी बनी रही। मौसम विभाग ने भारी वर्षा को लेकर रांची के लिए सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जारी चेतावनी में बताया है कि सोमवार को भी राजधानी में अच्छी बारिश होने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा में बहने की भी संभावना जताई गई है, जिस कारण तापमान में भारी गिरावट हुई है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तटीय बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड के मौसम का मिजाज बदला है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव में तब्दील होकर पश्चिम उत्तर पश्चिमी की ओर से बढ़ने की संभावना है। तटीय पश्चिम बंगाल से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे सिस्टम के कारण झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मौसमी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात होने की भी प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। पूरे राज्य में मानसून की सक्रियता देखी गई। मौसम विभाग की माने तो 17 सितंबर तक बारिश से राहत मिलने की संभावना है। 16 सितंबर को भी राज्य के अधिकांश हिस्से में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।